दिन 20 अक्टूबर 1931 लंदन में चल रही एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी कहते हैं, भारतीय शिक्षा के सुंदर वृक्ष को तुम अंग्रेजों ने काट दिया। यही कारण है कि आज का भारत 100 साल पहले के भारत की अपेक्षा कहीं ज्यादा अशिक्षित है। गांधी जी की ये बात खत्म होते ही फिलिप हार्टोग नाम के एक ब्रिटिश एमपी खड़े होते हैं और गुस्से में भनभनाते हुए कहते हैं, मिस्टर गांधी वो हम ही हैं जिसने भारत की मासेस को शिक्षित किया है, इसलिए आपको अपना कथन वापस ले तुरंत माफी मांगनी चाहिए। हार्टोग की इस बात का प्रत्युत्तर देते हुए गांधी जी कहते हैं कि वो अपनी बात पर कायम हैं, वो माफी नहीं मांगेंगे और इसको साबित भी अवश्य करेंगे। थोड़ी देर बाद ये कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती है। ब्रिटिश और भारतीय प्रेस दोनों में ही गांधी जी के इस बयान को कोई खास कवरेज नहीं दी जाती और समय के साथ साथ लोग भी इस संवाद को भूल जाते हैं। गांधी जी की इस बात में आखिर कितनी सच्चाई थी? क्या भारतीय शिक्षा प्रणाली का विनाश करने के लिए वास्तव में अकेला अंग्रेज ही जिम्मेदार है? यदि हाँ तो क्यों और कैसे अंग्रेजों ने भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति का सर्वनाश किया? क्यों अंग्रेजों से आजादी मिलने के 70 साल बाद भी हम अपनी शिक्षा प्रणाली को वापस अपने पैरों पर खड़ा नहीं कर पाए? 1947 में हमें अंग्रेज से तो मुक्ति मिल गई, लेकिन क्या हम उसके व्यामोह से मुक्त हो पाए हैं? आज 7 दशक बाद भी हम अंग्रेज द्वारा रचे गए दुनिया के सबसे बड़े सम्मोहन से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्यों आज का शिक्षित वर्ग अपनी ही संस्कृति से घृणा करने लगा है, अपने प्राचीन आदर्शों और उच्च जीवन मूल्यों का उपहास उड़ाने लगा है? क्या एक जीवित राष्ट्र में ऐसा होता है? क्या भारत राष्ट्र को जीवित राष्ट्र कहा जा सकता है या फिर इसकी मृत्यु हो चुकी है? लंदन में हुई इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लगभग 30 साल बाद 60 के दशक में धर्मपाल नामक एक कट्टर गांधीवादी लेखक द ब्यूटीफुल ट्री नाम से किताब लिखते हैं और इस किताब की रिसर्च करने के लिए वो लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम भी जाते हैं, जहां वो हजारों रिपोर्ट्स और आर्काइव्स को पढ़ डालते हैं। अपनी किताब में धर्मपाल लिखते हैं कि वर्ष 1820 तक अंग्रेज भारतीय शिक्षा प्रणाली को चलाने वाले सभी फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी कि वित्तीय संसाधनों को पूरी तरह खत्म कर चुके थे। अपनी इस किताब में धर्मपाल कहते हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत के 35-50% गांव राजस्व मुक्त हुआ करते थे और इस राजस्व का इस्तेमाल स्कूलों को चलाने, मंदिर मस्जिदों में त्योहारों को मनाने, दवाइयों का संशोधन और निर्माण करने, गरीबों को खाना खिलाने और सिंचाई जैसे कार्यों में किया जाता था। लेकिन अंग्रेजों ने अपने लालच के चलते इस राजस्व मुक्त भूमि को घटाकर 5% तक कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत की मजबूत शिक्षा प्रणाली जो गांव-गांव तक फैली हुई थी पैसे के अभाव में कमजोर पड़ना शुरू हो गई। ऐसे में भारत की इस प्राचीन शिक्षा व्यवस्था को बचाने के लिए आम भारतीय आगे आने लगे और जिससे जितना बन पड़ता वो उतना आर्थिक सहयोग विद्यालयों को चलाने के लिए देने लगा। अंग्रेज को जल्दी समझ आ गया कि उन्होंने जिस राष्ट्र के ऊपर विजय हासिल की है उसकी जड़ें बहुत ही ज्यादा गहरी हैं और जब तक इस राष्ट्र के लोग अपने रीति रिवाजों के प्रति जागरूक रहेंगे, जब तक अपनी संस्कृति और प्राचीन परंपराओं पर गर्व महसूस करते रहेंगे, तब तक उनके दिल और दिमागों को अपना गुलाम नहीं बनाया जा सकता। उस समय के भारत में शिक्षा व्यवस्था अत्यंत विस्तृत थी और देश के कोने कोने में फैली हुई थी और अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अंग्रेज इस व्यवस्था को अप्रभावी बनाना चाहते थे। हमें बताया और पढ़ाया जाता है कि प्राचीन भारत में शिक्षा के ऊपर ब्राह्मण वर्ग का कब्जा था, शिक्षा संस्कृत माध्यम में दी जाती थी और दूसरी जाति और समुदाय के लोगों को इससे वंचित रखा जाता था। लेकिन तथ्य कुछ और ही कहानी कहते हैं। भारतीय शिक्षा व्यवस्था की जटिलता को समझने के लिए 1822 में अंग्रेजी सरकार एक सर्वे करवाती है, जिसके लिए ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को गांव-गांव भेजा जाता है। इस सर्वे में पाया जाता है कि उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी में कुल 1,00,000 ग्रामीण स्कूल थे, मद्रास में एक भी गांव ऐसा नहीं था जहां स्कूल ना हो और बॉम्बे में केवल 100 लोगों की आबादी वाले गांवों में भी स्कूल बने हुए थे। इन विद्यालयों में अध्यापक और छात्र दोनों ही सभी प्रकार की जातियों और समुदायों से आते थे। किसी भी जिले में पढ़ाने वाले कुल अध्यापकों में से 7-48% ब्राह्मण थे, जबकि बाकी दूसरी जातियों से संबंध रखते थे।
इसके अलावा सभी छात्रों को शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जाती थी, ना कि संस्कृत भाषा में। प्राथमिक शिक्षा 4 से 5 वर्षों तक चला करती थी। जब तक एक छात्र अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर बाहर निकलता था, वो व्यावहारिक और प्रतियोगी रूप से तो सक्षम बन ही जाता था, लेकिन साथ ही साथ अपनी संस्कृति को भी गहन तरीके से समझ चुका होता था और उस पर गर्व भी महसूस किया करता था। यही सब कुछ कारण थे कि सर्वे को कंडक्ट करने वाले अंग्रेज कलेक्टर्स भी भारतीय टीचरों की निष्ठा और क्षमता के प्रशंसक बन गए थे। मद्रास में रहने वाले मिस्टर बेल नामक एक ईसाई मिशनरी भारतीय शिक्षा व्यवस्था का गहन अध्ययन करने के बाद इस व्यवस्था को इंग्लैंड लेकर जाते हैं और इसे एक नई शिक्षा व्यवस्था की तरह प्रस्तुत कर देते हैं। उस समय तक इंग्लैंड में केवल ऊंचे और नामी ग्रामी लोगों के बच्चों को ही शिक्षा आसानी से मिल पाती थी और इसीलिए इंग्लैंड की मासेस को शिक्षित करने हेतु मिस्टर बेल इंग्लैंड में भारतीय शिक्षा व्यवस्था को लागू कर देते हैं। धर्मपाल की इस किताब का सार ये निकलता है कि अंग्रेजों ने भारत की मासेस को शिक्षित नहीं किया, बल्कि अपनी मासेस को शिक्षित कैसे करना है ये उन्होंने भारत से सीखा। भारत में रहने वाले विदेशी ईसाई मिशनरीज को भारतीयों की शिक्षा पर खर्च होने वाली हर फूटी कौड़ी से बहुत ज्यादा परेशानी हुआ करती थी। यहाँ तक कि भारतीय शिक्षा के लिए आवंटित किए गए 1,00,000 रुपए जैसे नाममात्र के बजट का भी ये मिशनरीज गहन विरोध किया करते थे। भारत में अंग्रेजों के साम्राज्यवादी राज की जड़ें ईसाई मिशनरीज के धार्मिक मूल्यों पर ही आधारित थीं। यही कारण था कि अंग्रेज सरकार वित्तीय संसाधनों को सुखाना और नए रेगुलेशंस बनाना शुरू कर देती है। उदाहरण के तौर पर पक्का बिल्डिंग रेगुलेशन, इस नियम के तहत केवल उन्हीं स्कूलों को सरकारी सहायता दी जा सकती थी जिनकी बिल्डिंग पक्की हो, सीमेंट ईंट पत्थरों से बनी हो। भारतीयों की शिक्षा पर खर्च होने वाले पैसे के प्रवाह को कैसे और किस तरफ मोड़ा जाए और भारतीय जनता को किस भाषा में शिक्षा प्रदान की जाए, इस प्रकार के अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय को लेने के लिए अंग्रेज सरकार टीबी मकौले को भारत आमंत्रित करती है। अंग्रेज सरकार का यह निर्णय भारत की आने वाली पीढ़ियों का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। भारत आते ही मकौले निर्णय लेता है कि भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा और पैसे के प्रवाह को अंग्रेजी शिक्षा की तरफ मोड़ा जाएगा। जॉर्ज ऑटो ट्रेवलियन अपनी किताब द लाइफ एंड लेटर्स ऑफ लॉर्ड मकौले में लिखते हैं, 1835 में एक नए भारत का जन्म हुआ। महान सिकंदर, अशोक और पश्चिमी मिशनरीज जो नहीं कर पाए वो मकौले ने कर दिखाया। भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कर देने से उसकी प्राचीन सभ्यता की नींव हिलना शुरू हो गई। इस मजबूत इमारत का एक एक स्तंभ अपने आप ध्वस्त हो नीचे गिरने लगा। लेकिन मकौले ने वास्तव में भारतीय शिक्षा को जो हानि पहुंचाई है, ट्रेवलियन के शब्द उसको ठीक से समझा पाने में नाकाफी हैं। एक बात जो हमें नहीं बताई जाती वो ये कि मकौले ने भारतीयों को शिक्षित करने के लिए डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन मेथड नाम के एक सिस्टम को लागू किया। क्या है ये मेथड? असल में भारत आने के बाद मकौले के सामने कुछ बहुत बड़े प्रश्न उठ खड़े हुए थे, जैसे कि भारतीयों की संख्या बहुत ज्यादा थी और अंग्रेजों की बहुत ही कम। मुट्ठी भर अंग्रेज इतने सारे लोगों को शिक्षित कैसे कर सकते थे और इस भारत राष्ट्र को इतना कमजोर कैसे बनाया जाए कि वो अपनी संस्कृति, मूल्यों और आत्मसम्मान को भुला ब्रिटिश राज का समर्थन और गुणगान करने लगे। एक बार की बात है कि एक भारतीय सरकारी अफसर मकौले से मिलने उसके ऊटी वाले घर पर आया हुआ था। थोड़ी देर बाद मकौले के घर काम करने वाला एक बुजुर्ग चपरासी दोनों के लिए चाय लेकर आता है। जैसे ही ये चपरासी कमरे में दाखिल होता है, वो अफसर अपनी कुर्सी से खड़ा हो इस चपरासी के पैर छूने लगता है। मकौले ये दृश्य देख बहुत ज्यादा चौंक जाता है और सोचने लगता है कि इतना बड़ा ऑफिसर एक मामूली से चपरासी के पैर क्यों छू रहा है। मकौले को बताया जाता है कि चपरासी एक ब्राह्मण है और अफसर इसके पैर छू इसे आदर सम्मान दे रहा था। ये सुनते ही मकौले के दिमाग में एक आइडिया आता है, आइडिया जो इतिहास के पन्नों में डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन मेथड के नाम से दर्ज होने वाला था। अपने इस मेथड के तहत मकौले भारतीयों की एक ऐसी क्लास यानी कि श्रेणी तैयार करना शुरू कर देता है जो खून और रंग रूप से तो भारतीय हों, लेकिन बाकी सब चीजों जैसे कि सोच विचार, नैतिकता, मौलिकता और बुद्धि से पूरी तरह अंग्रेज हों। ब्रिटिश म्यूजियम में मौजूद रिपोर्ट्स के अनुसार मकौले का ऐसा मानना था कि इस मेथड को लागू किए बिना मुट्ठी भर अंग्रेज करोड़ों भारतीयों को अंग्रेजी में शिक्षित नहीं कर सकते थे। अपने इस मिशन में मकौले कितना सफल या असफल हुआ इसका अंदाजा तो भारत के शिक्षित वर्ग के इतिहास पर केवल एक नजर डालकर ही लगाया जा सकता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि स्वतंत्रता मिलने के बाद भी हमने इस मकौले समस्या से निजात पाने का कोई प्रयास नहीं किया। उससे भी गंभीर बात यह है कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा वर्ग तो इसे समस्या तक मानने को भी तैयार नहीं है।
मकौले की इस विधि के अनुसार आगे चल के सरकारी नौकरियों और मिशनरी विद्यालयों में ब्राह्मणों को प्राथमिकता दी जाने लगी। इसके अलावा भारतीय बाजारों में अंग्रेजी सामान की बाढ़ आ गई और परिणाम स्वरूप दूसरी जातियों के लोग जो अलग अलग प्रकार का व्यापार और शिल्प का काम कर अपना निर्वाह किया करते थे बेरोजगार होने लगे। खुद की तिजोरियां भरने के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाई गई लैंड पॉलिसीज के कारण भारतीय किसान अपनी ही जमीन पर एक भूमिहीन मजदूर की तरह काम करने को मजबूर होने लगा और जमींदार अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बनने के साथ साथ क्रूर होता चला गया। भारतीय शिक्षा व्यवस्था का सुनियोजित और व्यवस्थित तरीके से विनाश करना ही कारण था कि कुछ जातियों के लोग शिक्षा से वंचित होने लगे और कई सौ वर्षों तक लगातार ऐसा होने के बाद ये जातियां अशिक्षित और गरीब रह गई। 12 अक्टूबर 1836 को इंग्लैंड भेजी गई एक चिट्ठी में मकौले लिखता है, हमारे अंग्रेजी स्कूल बहुत अच्छे से फल फूल रहे हैं। वैसे हमारे लिए सबको एक साथ अनुदेश देना थोड़ा मुश्किल जरूर हो रहा है। हिंदू के ऊपर शिक्षा का अद्भुत प्रभाव हो रहा है। अंग्रेजी शिक्षा पाने के बाद कोई भी हिंदू अपने धर्म से जुड़ा नहीं रहता। मुझे पक्का विश्वास है कि यदि हमारी इन योजनाओं का आगे भी इसी तरह पालन किया गया तो आज से 30 साल बाद इस देश के शिक्षित वर्ग में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा जो मूर्ति पूजा करता हो। और सबसे बढ़िया बात यह कि ये सब करने के लिए हमें किसी को बहकाने फुसलाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ऐसा होने की संभावना मात्र ही मेरे मन को खुशी से भर देती है। भारतीयों को कितनी आसानी से अपनी संस्कृति और धर्म के विरुद्ध किया जा सकता है, इस बात पर मकौले को कितना ज्यादा विश्वास था, इसका अंदाजा हम उसके द्वारा लिखे गए शब्दों से लगा सकते हैं। मकौले की ये शिक्षा पद्धति दीमक की तरह सैकड़ों सालों तक भारत को कमजोर करती रही और स्वतंत्रता मिलने के बाद भी ऐसा ही कर रही है। वो नेता जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, जिन्हें स्कूल की किताबों में आज स्वतंत्रता का नायक बताया जाता है, उनमें से ज्यादातर नेताओं ने उसी अंग्रेजी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन मेथड में शिक्षा प्राप्त की जिस मेथड को भारत की नींव कमजोर करने और अंग्रेजों का मानसिक गुलाम बनाने के लिए रचा गया था। स्वतंत्रता मिलने के बाद भी हमारी सरकारों ने भारतीय सोच को विकसित करने पर जरा सा भी काम नहीं किया। भारतीय समस्याओं के भारतीय हलों को ढूंढने के प्रयास करने के बजाय देश के श्रेष्ठ दिमागों को पश्चिमी मॉडल्स भारत में लाने और लागू करने में लगा दिया गया। आज हालत ये हो चुकी है कि अपने ही राष्ट्र के ऊपर हमारी जानकारी साल दर साल कम होती जा रही है। आखिर एक राष्ट्र की मृत्यु कैसे होती है? एक तरीका है भौतिक विनाश का, जैसा कि अमेरिका में जाकर बसने वाले यूरोपियंस ने वहां की सभ्यता का सर्वनाश करके किया। दूसरा तरीका ये है कि लोगों का अपनी ही संस्कृति, अपनी सभ्यता, जीवन पद्धति, दर्शन और आदर्शों से विश्वास उठने लगे, वो इन सबसे घृणा करने लगे, इनको नीची दृष्टि से देखने लगे। जिस राष्ट्र में ऐसा होने लगता है उस राष्ट्र का सर्वनाश निश्चित है। उदाहरण के लिए ग्रीक और रोमन सभ्यताओं को दुनिया की सबसे महान सभ्यताओं में गिना जाता था, लेकिन एक समय आया जब इन सभ्यताओं के बुद्धिजीवी वर्ग का अपनी ही जीवन पद्धति और आदर्शों से विश्वास उठ गया। इन बुद्धिजीवियों ने अपने जीवन में दूसरों के दर्शन और आदर्शों को अपना लिया। आज वो सभ्यताएं और राष्ट्र कहाँ हैं? केवल संग्रहालयों और स्मारकों में। अब जरा इन सभ्यताओं की तुलना भारत से करते हैं। सबसे प्राचीन सांस्कृत संतति की धरती भारत राष्ट्र क्या आज जीवित है या फिर इसकी मृत्यु हो चुकी है? मृत्यु तो दुनिया के सबसे पुराने राष्ट्र ग्रीस की भी अभी नहीं हुई है, कम से कम भौतिक रूप से तो नहीं। वहाँ के लोग अभी भी जीवित हैं। आज के ग्रीस, इटली और पर्शिया में रहने वाले लोग उन्हीं लोगों के वंशज हैं जिन्होंने कभी इन महान सभ्यताओं का निर्माण किया था। लेकिन यदि आज यहाँ के लोगों से पूछा जाए कि वो कौन से आदर्श थे जिन्होंने तुम्हारे महान राष्ट्रों को हजारों साल जीवित रखा, तो आपको उत्तर मिलेगा, हमें नहीं पता, ये सब तो किताबों में है, म्यूजियम्स में है, आपको वहाँ से पता चल जाएगा। एक राष्ट्र का सर्वनाश ऐसे ही किया जाता है। करोड़ों की आबादी वाला एक स्वतंत्र राष्ट्र जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज हो, एक से एक आधुनिक हथियार हो, बड़े बड़े पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हो, ऐसा राष्ट्र कमजोर कैसे बनता है? ऐसा राष्ट्र कमजोर बनता है जब उसके लोगों में अपनी ही जड़ों के प्रति अज्ञानता बढ़ने लगती है, या फिर जब उन्हें अपनी ही संस्कृति, सभ्यता और पूर्वजों के ऊपर शर्म महसूस होने लगती है।
एक राष्ट्र का असली पतन वास्तव में यहीं से आरंभ होता है। एक राष्ट्र जो अपनी जड़ों को भूल दूसरे राष्ट्रों, दूसरी सभ्यताओं की नकल करता है, ऐसा राष्ट्र विकास नहीं, विनाश के पथ पर आगे बढ़ रहा होता है। वर्तमान का भारत राष्ट्र भी तेजी से पतन की तरफ बढ़ रहा है, और यदि हम सच में अपने इस राष्ट्र को बचाना चाहते हैं तो हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था को मकौले के शिकंजे से बाहर निकालना ही होगा। हमें अपने उन प्राचीन आदर्शों को बिल्कुल ताजा और साफ तरीके से समझना होगा, जिन आदर्शों ने 10,000 सालों तक हमें एक राष्ट्र के रूप में एक साथ रहना सिखाया। हमारी युवा पीढ़ी को इन प्राचीन आदर्शों की नए सिरे से जांच भी करनी होगी, जिससे कि जब ये पीढ़ी इन आदर्शों का पालन करे तो ये आदर्श उनकी भावनाओं के माध्यम से और ज्यादा मजबूत, महान और वैभवशाली बन जाएं।